गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हो बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज वेदर ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं है आज, और थोड़ी सी धूप भी आई है। तो जीवांशु को हो रहा है कोल्ड और फीवर, मैंने मेडिसिन दे दी है और जीवांशु अभी सो रहा है। तो मेरे जितने भी वर्क थे, मॉर्निंग वर्क, सारे कंप्लीट हो गए और 1:30 भी हो गया है। तो लंच का टाइम हो गया है, फटाफट लंच बनाती हूँ अपने लिए। तो लंच में मैं तो अकेली हूँ और थोड़ा सा जीवांशु भी खाता है, तो पुलाव बना लेती हूँ फटाक से। फटाफट बन भी जाता है और सिंपल सा मुझे बहुत पसंद है वेज पुलाव। और ट्राईपॉड रखा है मेरा रूम में और जीवांश सो रहा है, तो मैं पहले से ट्राईपॉड ले आती हूँ और फिर मैं कैमरा सेट करके तो आगे की वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी। और जीवांशु का पानी गर्म करने के लिए रखा था, गर्म हो गया है और मुझे अभी बॉटल में डालना है, तो फटाफट से ये काम कंप्लीट करती हूँ। और ये ले आई हूँ मैं ट्राईपॉड। तो मैंने अपने ट्राईपॉड को मिनी ट्राईपॉड बना दिया है क्योंकि जीवांशु है साथ में, तो अगर मैं इसको पूरा खोल के रखती हूँ तो जीवांशु इधर उधर उसको गिराता रहता है, तो मैं कभी भी ऐसे सूट नहीं करती हूँ ऐसा। मैंने इसीलिए मिनी ट्राईपॉड बना दिया है इसको। तो इसमें जल्दी से कैमरा सेट करके आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगी। एक मिनट, कैमरा सेट हो गया है। तो हमारा लंच हो गया है और मैं लंच बना ही रही थी तो जीवांशु भी उठ गया था और जीवांशु को अब भूख लग गई है तो दूध पी रहा है। थोड़ा सा ही जीवांशु ने पुलाव थोड़ा सा खाया और जीवांशु को तो दूध पीना था तो दूध पी रहा है। और जीवांशु को आज फीवर और थोड़ा कोल्ड हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आज साइलेंट है जीवांशु। जीवांशु कहाँ गए हो बेटा? जीवांशु ऐसे बैठ के उसमें कॉर्नर में चला जाता है और फिर बुलाता है कि मम्मा मुझे निकालने के लिए आओ। किसने बोला था? हैं? किसने बोला? किसे पूछ के गए थे वहां पर? जीवांशु नहीं, हाँ लाइट ऑफ कर दिया। जीवांशु बहुत नॉटी हो गए बेटा, ऑन करो। बहुत ज्यादा नोटी नोटी। जीवांशु आ जाओ, मम्मा के पास आओ 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 मम्मा के पास। मम्मा की गुदी में। तो मैंने जीवांशु को ब्लैंकेट के अंदर ऐसे कवर कर दिया है। जीवांशु देखो देखो, जीवांशु ठंडा हो रहा है, जीवांशु भाग जा रहा है इधर उधर, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंकेट के अंदर ऐसे कर दिया। अब जीवांशु जल्दी भाग नहीं पाएगा ना। ओ डबल डबल मोबाइल, ये देखो जीवांशु, जीवांशु देखो
क्या क्यों? नहीं भागना नहीं है, भागना नहीं है भैया, इसके अंदर रहना है। बाल बहुत ठंडा हो रहा है, जीवांशु बाल इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है, तुम्हें इसके अंदर रहना है। और जीवांशु और मम्मा इसके अंदर ऐसे बैठे हैं ना। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ गोहत की दाल। तो ये पहाड़ी दाल है, इसका नाम है गोहत। तो हस्बैंड को ये दाल खानी है, उनको बहुत पसंद है। तो मुझे आज ये वाली दाल बनानी है, उनके लिए बनाती हूँ मैं थोड़ा सा। और सब्जी बना रही है, मैंने बीन्स आलू की सब्जी रख दिया बनने के लिए, वो बन रही है। और ये जीवांशु देखिए पूरा, आज अभी थोड़ी सी तबीयत थोड़ा ठीक है और जीवांशु किचन में आके पूरा रैक में लगा हुआ है। जीवांशु नहीं बेटा, वहाँ पे नहीं जाना है। क्या कर रही हो? मम्मा के साथ किचन में लगा है, हेल्प कर रहा है मम्मा का, मम्मी की हेल्प कर रहा है। ओ इतना प्योर, नहीं बाबू कैप लगाओ। जीवांशु को अभी थोड़ा सा फीवर लग रहा था, मैंने फिर पैरासिटामोल दिया। और स्माइल देखिए, बस जीवांशु बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मन भी नहीं लगता है। तो जीवांशु अब ठीक है और मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। जीवांशु की तबीयत खराब जाती है ना तो थोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पीछे मोगली चल रहा है जीवांशु का, तो जीवांशु किचन से मोगली देख रहे हैं। वहां नहीं जाना है, मम्मा के साथ यहाँ रहना किचन में, यहाँ से मोगली देखना है। सो फ्रेंड्स, डिनर बनके हो गया है रेडी और बहुत टेस्टी सी दाल बनके हो गई है रेडी। तो आज के ब्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करूंगी। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।